मेरी बात सुनो भाई, 12 घंटे 12 यूट्यूबर से मिलने वाला मैं चैलेंज बनाऊंगा बहुत जल्द कराची में आके इंशाल्लाह। ठीक है, प्लानिंग चल रही है, बात चल रही है काफी यूट्यूबर से। ठीक है, इसमें छोटे बड़े यूट्यूबर सब होंगे, तो ज्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे यार, जैसे कि मैं हूँ भाई, ज्यादा बड़े बड़े तो होंगे नहीं। और मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ यार, इस चैलेंज को ना आप लोग कामयाब करवा सकते हो। ठीक है, देखो मेरे पे कुछ यूट्यूबर तो हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, जैसे कि अगर आप लोग किसी यूट्यूबर को जानते हो या मिलवा सकते हो, तो मेरे से रब्ता करो, किस किस यूट्यूबर से आराम से मिलवा सकते हो। या अगर कोई यूट्यूबर ही मेरा व्लॉग देख रहा है, कोई यूट्यूबर मेरा सब्सक्राइबर है, तो वही बताया कि मैं आपसे कैसे मिलूँ। ठीक है, भले वो खुद यूट्यूबर हो या कोई सब्सक्राइबर हो जिसके गली मोहल्ले में जान पहचान हो यूट्यूबर से, तो मेरे से रब्ता करें ताकि ना वो मेरे को बताए और मिलवा सके। आप भी मेरे साथ व्लॉग में आना, ठीक है, जो मिलवाएगा वो भी, और जिससे मिलूँगा उसके पास जाके व्लॉग बनाऊंगा। मैं खुद आऊँगा मिलने के लिए कराची में, बहुत जल्द करेंगे ये वाला चैलेंज। 12 यूट्यूबर से मिलेंगे या पता नहीं 24 घंटे 24 यूट्यूबर से मिले कराची आके, फिर बस देखो कैसे व्लॉग आएंगे। एंटिक एंटिक बस अभी यहाँ तो यार 2 या 3 एक दो दिन है बस यहाँ पर हम ना, तो यहाँ व्लॉग बनाते हैं। आज भी अच्छा बनाएंगे, कोशिश करेंगे, कल थोड़ा मजे का नहीं बना व्लॉग। हैदराबाद में थोड़ा रूटीन चेंज हुई है यार, लाइटों की इस चीज़ की, थोड़ा घूमना फिरना मुश्किल हुआ। चलो कोई नहीं, आज बनाएंगे अच्छा व्लॉग। तो नाश्ता आ गया भाई हमारा, नाश्ते में ये पराठा आएगा, और ये आ गया भाई हमारे कलेजे पप्पा जो बनाते ना जो बेहतर टिक्का बटर, इसका ना ये मसाला वसाला आ गया। ठीक है, चाय आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, दिस इज़ मी एमसी। सो आप देख रहे हो भाई फ्री वर्ल्ड का, फ्री में देख रहा हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और हैदराबाद वाले जो फैन है, सब्सक्राइबर हैं, जो मिलना चाहते हैं मेरे से, जल्दी से आ जाओ, फिर मैं कल परसों में चले जाऊँगा हैदराबाद। ठीक है, आ जाओ फलक, एमसी याद आ रहा है आपको, एमसी चाचू, बोलो बोलो चाचू, चाचू मेरी मुन्नी, आ जाओ आप दादा के पास, आ जाओ दादा के पास, चीज ओ जूस आइसक्रीम। भाई देखो फलक से बात कर रहा हूँ यार, मैं दिल खुश हो गया, हमारी फॉर्चुनर भी तैयार हो गई है भाई। देखो पप्पा की ना, अभी पप्पा काम पे जाएंगे इसको लेके। ठीक है, अभी ये वाली फॉर्चुनर है, फिर असली वाली लगी, 4 टायर तो है ना भाई इसके भी, 4 टायर वाली कार लेंगे हम इंशाल्लाह। हैदराबाद का मौसम चेक करो भाई, माशाल्लाह भाई फुल बारिश वाला मौसम हुआ है, बादल ही बादल भाई सर पर आए हुए, बड़ा प्यारा मौसम है। इस मौसम के मजे लेने आ गए भाई, तो ये खाते हैं भाई हम लोग इस मौसम में। ये देखो भाई पकौड़े, मिर्ची आ गए, पकौड़े आ गए, ठीक है सारा ये आइटम आ चुका है भाई, और बहुत तेज भूख लग गई अब तो भाई इस मौसम को देख के। ये आ गए हमारे मिर्ची पकौड़े, देखो भाई ये चटनी जो है ना भाई, ये हैदराबाद में बहुत टाइट होती है यार, ये कराची में ऐसी बनती नहीं है, ऐसी मिलती नहीं है यार। और ये देखो, ये डब रोटी भी नहीं मिलती भाई कराची में, यहाँ तो जो बंदा खा रहा है, जो कुछ खा रहा है इस डब रोटी से खा रहा है, रोटी से भले नहीं खा रहा। ये मिर्ची पकौड़े मिक्स है भाई हमारे ना, तब ने ये पकौड़े देखो भाई, ये चटनी यार, सारा गेम इस चटनी का है भाई, और इसका बस। मेरे पापा जो टिक्का बोटी बेचते हैं ना, इस डब रोटी के साथ बेचते हैं, ऐसा ये ना सन भाई, टिक्का बोटी इससे खाते हैं, जो सीखे बेचते हैं ना कलेजी वलेजी। अकेडमी है पुलिस क्रिकेट अकेडमी भाई, ये हैदराबाद की पुलिस वाली है, बहुत फेमस है। और अभी हम मिलने हैं भाई यहाँ पे मोहम्मद हसनैन से, यहीं पर ही आपको दिखाऊंगा मैं। पाकिस्तान के बहुत अच्छे बॉलर है, नामी गिरामी भाई, हमारी पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान की टीम के अंदर बाहर लीग में भी खेलते हैं, ठीक है जाके, और हमारी कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी खेलते हैं, पता नहीं कहाँ पर अभी दिखे थे मेरे को ना, आप कहीं बॉलिंग कर रहे हैं, तो भी आपको मिलवाएंगे उनसे इंशाल्लाह, कोशिश करके। ठीक है, तो बाकी ये अकेडमी है देखो भाई, कितनी बड़ी अकेडमी है, यहाँ पे देखो ये सारे सीख रहे भाई, छोटे बड़े सब है भाई यहाँ पे, इंशाल्लाह सभी लेजेंड बनेंगे यार, अपने टीम के लिए खेलेंगे भाई, अच्छा बस करियर बन जाएगा इंशाल्लाह, बस सपोर्ट करने वाले होने चाहिए यार पाकिस्तान में ना। सामने मोहम्मद हसनैन भी बैठे थे, अभी उठ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। मोहम्मद हसनैन है भी भाई हैदराबाद के, ठीक है, हैदराबाद यानी कि फरीदाबाद के शायद, हमारे भाई ऐसा ही है, कहाँ के, इसरा के, अच्छा भाई मैंने सुना था फरीदाबाद, काली मोरी, रिहाई जो पहले दिन है पाकिस्तान क्रिकेट से पहले जो थी वो काली मोरी में थी, हमारे यहीं की है। तो जब भी तो इसलिए देखो मैं तो हम यहाँ तो हमें तो आज तो भाई मोहम्मद आमिर भी खेलेगा, आज तो मोहम्मद आमिर खेलेगा भाई टीम के अंदर, कितने सालों बाद आमिर बॉलिंग करेगा पाकिस्तान की टीम के अंदर। हम तो देखने को तरस गए थे मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम के अंदर, रिटायरमेंट ले ली थी मोहम्मद आमिर ने, तो वापस आ गए हमारी पाकिस्तान की टीम के लिए, और बहुत अच्छा करेंगे। तो किससे मैच है आज हमारी पाकिस्तानी टीम का, न्यूजीलैंड से, अच्छा भाई न्यूजीलैंड से, तो फिर आमिर फर्स्ट ओवर करेगा इंशाल्लाह, फर्स्ट बॉल जब फेंकेगा तो वो देखने वाली होगी मोहम्मद आमिर की भाई, किंग आमिर के भाई फैंस आज है ना बहुत जाने खुश होंगे, बहुत एक्साइटमेंट होंगे यार कि आमिर को देखेंगे आज बॉलिंग करते हुए। ये रहे भाई मोहम्मद हसनैन, देखो एक्शन देते हुए, ठीक है ये नेट पे बॉल करा रहे हैं, ये देखो भाई ये पेस लिया, ये ओ हो ये एक बार फिर से मोहम्मद हसनैन, ओ हो
तस्वीर ले लिया भाई ठीक है हमने हसनैन भाई, लेकिन उन्होंने ना व्लॉग नहीं बनाया यार, पता नहीं क्यों यार मना करते हैं वीडियो के लिए यार। कोई बंदा सेलिब्रिटी बन जाता है, थोड़ी सक्सेस आया जिन्हें थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ जाता है, पता नहीं क्यों। सक्सेस जो मिलती है ना इंसान को, जो इज्जत मिलती है, जो यानी कामयाबी मिलती है, वो मिलती है एक तो अल्लाह की तरफ से और एक मिलती है ऑडियंस की तरफ से, फैन की तरफ से। हम उनको सपोर्ट करते हैं जब वो बॉलिंग करते हैं ना हमारी पाकिस्तान की टीम में कोई टाइम है, तो हम कह रहे थे हसनैन को सपोर्ट करते हैं, हम सबको करते हैं यार, और हमारा कोई नहीं करता, पता नहीं क्या यार। अब घुसे भाई अपना ये सिरे गार्ड में चेक करो भाई, हैदराबाद की फेमस प्लेस है ठीक है, ये मार्केट की लाएगी यार, देखो यहाँ पे सब कुछ ही मिल जाएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम ड्राइवर भाई, कर राइडर भाई, कहाँ घुमा रहे हो मोहसिन भाई हमें? यहाँ लेके जा रहे हैं आपको छोटी गिट्टी, कहाँ पर रही है? तिलक चाड़ी। तिलक चाड़ी भाई हैदराबाद का मैंने यानी कि एक्सप्लोर कर रहे हैं सारा, देखते कहाँ जाते हैं। मैग्नम मॉल नहीं करो यार बाड़े बा भाई, मैग्नम मॉल भी भाई यहाँ पे बड़ा फेमस है। ये कोसी हलीम आ गया हैदराबाद का बहुत फेमस हलीम और बिरयानी वाला। कितने जानवर लाते हैं मोहसिन भाई? ये बहुत जानवर लाता है माशाल्लाह, इसकी सेल भी बहुत अच्छी है। हाँ भाई ये पता नहीं कितने चांद बेल लाता है, 20 से ऊपर लाता होगा, 50 के करीब है, 50 के करीब ना चांद बेल लाता है कुर्बानी के लिए भाई। तिलक चाड़ी आ गए भाई, देखो मेरा यहाँ पे अली हैदराबादी इन दुकानों पे काम करके गया है, शूज की दुकान पे ना अली हैदराबादी, और आज अली हैदराबादी कितना बड़ा हो चुका, कितना फेमस हो चुका है भाई। पार्टा पे वाह, ये आ गया हैदराबाद का बहुत बड़ा मार्ट दाऊद मॉल, सब कुछ मिल जाता ना यहाँ पे। अच्छा भाई ये भी बहुत फेमस है रावी हलीम, कोजी भी और रावी भी है, ये भी बहुत चलता है। तो ये हैदराबाद की भाई छोटी गिट्टी, ये देखो भाई हर जगह रौनक हुई यार हैदराबाद में ईद के बाद भी, देखो सब जगह यार चल रहा है कुछ ना कुछ, दुकानें खुली पड़ी हैं, हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे। ये देखो लाइट वाइटें मिल रही हैं। ताजरान शाही बाजार हैदराबाद भाई, शाही बाजार में एंटर हो गए हम ठीक है। क्या हो गया, क्या बोलते हुए जा रहे हैं अपनी अपनी। भाई कैसे जा रही है गाड़ी, ये भी गाड़ी है भाई एक, ये देखो अपन कैमरे में आ रहे हैं, वो देखो वो आ गया मैं, वो देखो बोरा घर पे उतार दे मेरे भाई, सारी हलीम बनाऊंगा भाई। चल भाई खोल भाई खोल, भूख लग रही है भाई, बिरयानी का देख आ रहा, देख जा रही है भाई। अच्छा ये पान वाला ही मशहूर है, बड़े वाह भाई पूरा हैदराबाद घुमा रहे हैं। कौन सा पान वाला? समद पान वाला। क्या दे रहा है सब पान के अंदर? पान आप देखोगे परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाऊंगा फिर नहीं खाना भाई, परेशान नहीं होना। इतना कुछ डालता है ये पान, इतना कुछ डालता है भाई। चाय लेने आ गया हूँ, हैदराबाद की बहुत फेमस होटल है सद्दीक होटल भाई। दुकान बंद होने का टाइम है इसलिए रश नहीं है, वरना तो ऐसा होता है फ्री में पिला रहा जैसे। घर पर आए लेकिन ये देखो लाइट ही नहीं है भाई, और टाइम क्या हो गया आज 8:30 होने वाले, 5 मिनट लाइट ही चली गई इतनी जल्दी। अब ये चाय कैसे पीऊँ यार, बहुत मुश्किल हो रही है यार हैदराबाद में रहना, बहुत मुश्किल हो रही है। ठंडक में चाय पीनी थी, अब गर्मी में गर्म चाय पीऊँ यार, कैसे पीऊँ। मुबारक हो भाई मुबारक हो, लाइट आ गई यार अभी पता नहीं कब गई थी लाइट, आ गई मैं चाय डालने ही वाला था, लाइट आ गई, ये देखो भाई ठंडक हो भाई। अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली, लाइट दे दी भाई, आप लोग ने लगता है मेरे लिए दुआ करी होगी। अब मजा आएगा चाय पीने में, चाय डालता हूँ यार, एक हाथ से कैसे डालूं, एक हाथ में तो मोबाइल है, क्या करूं कैसे डालूं, गिर जाएगी। ओए होए होए भाई ये बहुत फेमस है चाय आ गई है। आपको तो पता है चाय मुझे पसंद नहीं है, पप्पा के हाथ की पीता हूँ और मैं होटल की पीता हूँ सिर्फ भाई, मैं और कहीं की चाय नहीं पीता, अपने घर की भी नहीं पीता। हैदराबाद में जब से मैं पैदा हुआ था ना, जब से मैं इस होटल की चाय पीते आ रहा हूँ। अच्छा सद्दीक होटल, इस होटल की काफी सारी ब्रांच और बहुत मशहूर चाय है, इसकी खुशबू ही अलग आती है भाई, पीने की तो अलग बात है। आ हा हा खुशबू है यार इसकी, हाय हाय इतना सुकून। बहुत दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं इसकी, और पता है मुझे क्या बोलते हैं कराची में यार, तो मैं ना सद्दीक होटल की तरफ रहते हो लियाकत कॉलोनी में, सद्दीक होटल इतनी मशहूर है लोग कराची वाले भी जानते हैं। ये वाली खिड़की से नजर आती है सामने होटल है, अरे आज तो मेरा शुएब मलिक भी खेल रहा भाई, लेजेंड। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यार शुएब मलिक का भी, और मोहम्मद हफीज का भी, मोहम्मद हफीज भी खेल रहा है। और ये भाई देखो न्यूजीलैंड और ये इसका मैच चल रहा है ना, ये न्यूजीलैंड की बैटिंग है, ये स्कोर हो गया 106 पे हो गया, 4 आउट है। अगर यही बंदे खिलाएंगे लेजेंड खिलाएंगे तो यार मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा, वरना मैं आपको पता है इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे विराट कोहली फेवरेट है, मेरा फेवरेट शुएब मलिक है ठीक है, पाकिस्तानी टीम में मोहम्मद हफीज है, आमिर है, और इमाद वसीम है, सरफराज अहमद है। लेकिन सरफराज अहमद को भी खिलाना था यार, सरफराज भाई धोखा नहीं देते, क्यों नहीं खिलाया, देखो इतने पुराने पुराने बंदे खेल रहे, मोहम्मद हफीज शुएब मलिक सरफराज भाई की कमी है यार। T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है भाई ये वाला,
पाकिस्तान टीम की बैटिंग आ गई है भाई, ये देखो जल्दी से रिजवान और बाबर खेल रहे हैं। कम का टारगेट है 100, पता नहीं कितने का टारगेट है, सही से दिख नहीं रहा है। तुम्हारा एक केबी लेवल पता नहीं क्या खराब हो रहा है, सही नजर ही नहीं आ रहा है। ये बाबर साहब आउट हो चुके हैं भाई, ये चेक करो भाई, 11 बॉल पे 9 रन बनाए सिर्फ, T20 था यार बाबर भाई। मेरा फेवरेट खिलाड़ी मोहम्मद हफीज आ गया भाई बैटिंग पे, ये चेक करो भाई मोहम्मद हफीज। अबे यार मोहम्मद हफीज आउट हो गया भाई, नजर लग गई लगता है। 11 रन तो बनाए वैसे यार, शॉट अच्छा खेला था, हिट करा था भाई, इससे पहले पता नहीं छक्का या चौका मारा था, वैसे मार दी बाउंड्री तो मोहम्मद हफीज ने। ये देखो कैच अच्छा किया भाई। एक और लेजेंड और सीनियर आ गए मेरे भाई फेवरेट, शुएब मलिक। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज में ये खास बात है, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग भी, ऑलराउंडर है, और शुएब मलिक तो फील्डिंग भी। ओ सानिया मिर्जा भाई, सानिया मिर्जा भी आई हुई है, समझ आवेद का है भाई। ये एक बार फिर से मलिक, ओए मलिक छक्का है, रुक जाओ भाई चेक करने दो भी। अरे छक्का यार, इतनी एज हो गई फिर भी इतने लंबे छक्के, दो शादियां कर ली फिर भी भाई। अरे सरफराज अहमद है भाई, है बस आज खिलाया नहीं है यार, देखो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार सरफराज अहमद को, यार ये बना दिया पानी वाला। कप्तानिंग सैफ ही भाई कर सकते हैं सिर्फ। दो रन चाहिए, 9 बॉल पे 2 रन, हो गया पूरा हो गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई पाकिस्तान जीत गई, आपको कुछ हो जाए जीत गए भाई। यस यार, आमिर कहाँ है, आमिर नजर नहीं आ रहा, आमिर कहाँ है, आमिर खेला था या नहीं खेला था यार, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। पप्पा के ठेले पर आ गए, सीखे वीखे बन रहे, सामने भी ये टिक्का बुटी का ठेला लगा हुआ है। पप्पा के ठेले पर कार वाले भी खाने आते हैं, इंशाल्लाह एक दिन मैं भी यहाँ पे कार लाके खड़ी करूंगा भाई। पप्पा के पास भी भाई ये डबरोटी होती है, देखो सब ये डबरोटी खाते हैं भाई टिक्का बुटी के साथ। ये बिल्ली का बच्चा तो सेम हमारे जैसा है यार, ऐसा लगता है मेरे साथ ही आ गया ये कराची से। ये टिक्का बुटी एक सीख तो मैं खा भी गया, आप खुद खाओ फिर बताओ कैसी है। हैदराबाद की सबसे फेमस सबसे अच्छी रबड़ी वाला ये भाई हाफिज रबड़ी वाला, जो कि आज बंद है यार, मैं तो खाने आया था और लेने आया था, बंद है यार दुकान ही, क्या बात हुई भाई। मुझे ना ये कराची लेके जानी है ठीक है, मैं भी खाना आया था, पप्पा ने पैसे दिए थे कि खा के आ जाओ, लेकिन ये तो बंद है, कल देख लूँ, अगर मैं कल कराची नहीं गया तो कल ले लेंगे इंशाल्लाह। ये आई हैदराबाद की एक और फेमस चीज मेहरान डेयरी भाई, ये भी बहुत फेमस है ये डेयरी, यहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है, तो चलो और ट्राई करते हैं यहाँ की आइसक्रीम ना। अच्छा इनके पास भी देखो रबड़ी है भाई, देखो यहाँ पर भी रबड़ी, यहाँ पर भी ये पिस्ता वाली रबड़ी आ गई, ये आ गई इसकी लिस्ट, चेक करो भाई रबड़ी के प्राइस देख लो, आइसक्रीम सबके प्राइस। ये आ गया मेरा कुल्फा, चेक करो भाई साहब, ओए 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 भाई एंड हो रहा है यार, एंड भाई मजे का यार। प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, मैं बहुत अकलमंद हूँ यार, मैं कितना अच्छा होना यार देखो। अरे इतना बड़ा प्रैंक हो गया मेरे साथ, और वो भी मैंने खुद ने अपने साथ प्रैंक कर लिया, मुझे पता ही नहीं है भाई, इतना पागल हूँ मैं। 2 घंटे से टीवी के सामने यूं मैच देख रहा हूँ, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, व्लॉग बना रहा हूँ पागलों की तरह, बक 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 करे जा रहा हूँ। अबे भाई वो मैच जो था वो लाइव नहीं था, वो पुराना मैच था भाई, और मैं समझ रहा हूँ कि वो आज का मैच ही। जब भी मैं बोलूँ यार मोहम्मद हफीज कैसे खेल रहा है, शुएब मलिक कैसे खेल रहा है, और मोहम्मद आमिर क्यों नहीं है, मोहम्मद आमिर तो आज खेलता, ये छक्का आसिफ अली का, ये छक्का आसिफ अली का, ये शुएब मलिक का चौका, ये बन गया पागल। अबे भाई देखो जब मैंने पूरा मैच देख लिया ना, तो मैं नीचे गया, मैंने अपने दोस्तों को बोला यार पाकिस्तान जीत गई, वो बोल रहे हैं अबे कौन सी पाकिस्तान जीत गई, आज तो मैच हुआ ही नहीं है, बारिश हो गई मैच में, और हम यहाँ पे पुराना मैच देख के खुश हो रहे हैं। और ये वाला मैच मैंने लाइव देखा था, मुझे याद है आसिफ अली ने छक्के मारे थे, और मैं शुएब मलिक को बड़ा सपोर्ट कर रहा था, देखो भूल भी गया इतनी जल्दी यार, ज़्यादा पुराना मैच नहीं है। मैं अभी ऊपर खड़ा हूँ लेकिन अपने घर में ही हूँ, ये चेक करो भाई यहाँ से ऊपर से ऐसे हमारा घर, तभी मैं स्टूडियो पे खड़ा हूँ, ये देखो पीछे भी मेरे घर है, ऊपर भी, यहाँ खड़ा होकर नेट चला रहा हूँ मैं सामने वाली बिल्डिंग का। आज के व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं भाई, व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।